समंदर और खुशियाँ जितना देखो उतना दूर नजर आता है। लहरों से ना लड़के किनारे पे बैठे रहना, जीत के पहले की हार नजर आती है। लहर देखे कितना ऊपर उठ रहे, स्वागत है मेरे चैनल आसफ सी टोल पे। अभी मैं सीउड स्टेशन पे हूँ, सीउड स्टेशन पे मैं हूँ। जाहिर है मोबाइल पे पूरा बिजी है, और मेरा भैया है वो भी मोबाइल पे बिजी है। अभी हम लोग जा रहे हैं बांद्रा फोर्ट पे, आप लोग को दिखाने के। ये बालडा स्टेशन का बाहर का है, रेल लाइन के बीच में देखिए पूरा ग्रीन कलर का घास उठा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है गाइस, मज़ा आ गया। स्टेशन से बाहर आ गया और बाहर आते आप लोग देखिए इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। हम लोग पूरा समंदर के किनारे आ गए हैं और आप लोग को समंदर का नज़ारा दिखाते हैं, इतना खूबसूरत। क्या नज़ारा है आप लोग देखिए, पानी इतना ऊपर ऊपर चल रहा है, इधर से मैं पूरा सामने जाके आप लोग को दिखा रहा हूँ। नीचे जा रहा हूँ समंदर में पहली बार कदम रखा, और इस साइड देखिए थोड़े दूर में है समंदर। पीछे है देखिए समंदर, और इसका नज़ारा कुछ अलग ही दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। समंदर का पानी मुझे नमक बहुत ज़्यादा होता है समंदर का पानी में, तो मैं थोड़ा मुंह में लेके देखता हूँ इधर से, ठीक है क्या पानी में कितना नमक है कितना हो सकता है। तो ले लो पानी थोड़ा मतलब आपका पूरा साफ नहीं, जो नीला होता है ना समंदर का पानी, इतना नीला नहीं। वो इतना भिगा दिया मैं, और थोड़ा सा मुँह लेता था, और पानी थोड़ा मुँह में लेके मैं देख रहा हूँ कैसा होता है। बहुत ही नमक है पानी में, बहुत ज़्यादा नमक है, इसीलिए लोग बोलते हैं ये पानी पिया नहीं जा सकता, बहुत ही ज़्यादा नमक है। और मैं अभी जा रहा हूँ नमक खाने के बाद, नमक के बाद। सब लोग छाता का मज़ा ले रहे हैं, हम लोग बारिश में भीग के मज़ा ले रहे हैं। किसको पता था अभी बारिश आ जाएगा। और
थोड़ा थोड़ा बारिश में और कौन खाने में मजा ही कुछ अलग होगा। के ले लिया हाथ में मैं और जाहिद, अभी वो देखो खाएंगे अभी हम लोग। इसे इतना क्लियर है, देख रहे मजा आ रहा है। अभी मेरा सामने है शाहरुख खान का बंगला। गाड़ी नहीं आ रहा है, हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं और एकदम सामने है और देख सकते हैं बहुत ही फोटो खींच रहा है शाहरुख खान के घर में बंगला में। ये है शाहरुख खान का बंगला गाइस, और इसका गेट देखिए कितना बड़ा है। वो पीछे जो देख रहे हैं यही है, पूरा इस तरह से दिख रहा है। भाई कितना सिक्योरिटी कितना टाइट रखा है गाइस। फाइनली हम लोग बंद्रा किला पे आ गया। जो ये जो सामने का गेट है ये गेट ही है बंद्रा किला। तो हम लोग इधर से ऊपर जाएंगे। बंद्रा फोर्ट समुंदर तल से 26 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और गाइस बंद्रा फोर्ट का दूसरा नाम है कस्टेला दे अगुआडा, जो पोर्टुगलों ने 1640 में निर्माण किया था। और इसे बहुत सारे हिंदी मूवी में भी दिखाया गया है, जिसमें दिल चाहता है शामिल भी है। तो आप लोग अगर दिल चाहता है देखेंगे तो उसमें बंद्रा फोर्ट आप लोग को दिखाई देंगे। एक्चुअली में ये पुर्तगालों ने 1640 में जब निर्माण किया था अरब सागर और पश्चिम में आपका मुंबई शहर में देखरेख करने के लिए और उसका नज़ारा देखने के लिए ये निर्माण किया गया था। और अभी हम लोग इसका देख के मज़ा लेते हैं। ऊपर जा रहे हैं, बंद्रा फोर्ट का ऊपर से ये नज़ारा दिखाई देता है जो अभी आप लोग देख रहे हैं। ऐसा अरब सागर और साइड अरब देश पड़ता है और ये पूरा मुंबई से समंदर के बीच से होकर ब्रिज जाता है नवी मुंबई और दूसरे जगह पे। तो इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है गाइस, आप लोग इधर ज़रूर आना और इसका लुत्फ़ उठाना। ये ऊपर से नज़ारा है बंद्रा किला का और इधर से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखते है पूरा मुंबई शहर का। आप लोग देख सकते हैं गाइस ऊपर देखो इतना सारा एंगल है, देख सकते हैं आप बराबर। अगर आप नहीं समझ पाते आपकी ज़िंदगी के मकसद क्या है तो चले जाओ समंदर के पास और गहराई से उसकी गहराई को देखो, कुछ समझ आ जाएगा कि आपकी गहराई में क्या सुखा है, आपकी जिंदगी में क्या करना है, कैसे चलना Oh.
करके चला, मन की माया रख के तेरे ठगिए तले, बैरागी बैरागी का सूती चोला ओढ़ के नदीम अहमद जी है, इंस्टाग्राम में फॉलो करना, सिंगर नदीम अहमद सिंगर है जो अभी गाना आप लोगों ने सुना, ओ भैया ने गाना गाया, बहुत ही खूबसूरत गाना है, तो आपके बारे में कुछ बोलिए। बस कुछ नहीं, सिंगिंग कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, देखते हैं अब आगे चल के कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं, बस और करे जा रहे हैं मेहनत। अच्छे से आप लोग मेहनत कीजिए, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, जरूर 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 सपोर्ट कीजिए, आप लोग दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आप बहुत ऊपर जरूर, बस तो आप लोग भी इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, और आपका यूट्यूब में नहीं, मेरा अभी तक यूट्यूब तो नहीं है, पर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम में आप लोग फॉलो कीजिए, और भैया का वीडियो भी छोड़ते हैं तो वीडियो आप लोग आराम से देखना। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। नदीम जी से बात करके अच्छा लगा, और सुर क्या सुर है, बहुत अच्छा लगा। बांद्रा किला के बीच में ही है एक गार्डन, जो अभी हम लोग इधर से जा रहे हैं, भैया और मैं जा रहा हूँ एक चूल्हे में, और बहुत खूबसूरत है। आरोही आरोही, हाँ ऐसे लग रहा है, ओ या क्या था, आशिकी टू, आशिकी टू का बस, हाँ हाँ ये प्लेस है आशिकी टू का। गाइस आप इस पानी का देखिए कितना ऊपर उठ रहा है, लहर देखिए कितना ऊपर उठ रहा है गाइस, पानी का लहर है। फिर कुछ कर रहे वो बंदे लोग, इस सारे के सारे 5-star होटल में शायद बेचने वाले वो लोग, चाइनीज लोगों के लिए आएगा, और वो जो जितने भी केचुआ है ना, सब में आपका बाल है,